हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है 22 फीट बाई 45 फीट का है और ये साउथ फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट डिज़ाइन किया गया है। और ये जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, इसके बाद मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे प्लान मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको अपने साइज का प्लॉट मिलेगा, अपने साइज का प्लान मिलेगा और आपको अपना बेनिफिट होगा और आप भी अपना घर बना पाएंगे हमारे प्लान को देख के। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं, यहाँ पे बालकनी दी गई है जो कि हमारे प्लॉट एरिया के बाहर में है। यहाँ पे 45 फीट की लेंथ है और इसके बाहर में हमारा ये बालकनी दी गई है। बालकनी की जो विड्थ है यहाँ पे 2 फीट 6 इंच की है, यहाँ पे 3 फीट 6 इंच की है सेंटर में और यहाँ पे 2 फीट 6 इंच की है। तो एक अच्छी तरह से यहाँ पे बालकनी डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे घर का जो लुक आया हुआ है वो बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे जो है 8 फीट चौड़ा आपको MS गेट मिल जाता है और इधर से हम अपने सीधे अपने ये लोहे का जो चैनल गेट है इसको ओपन करके सीधे अपने कार पार्किंग में जा सकते हैं। स्मॉल कार पार्किंग यहाँ पे दी गई है 13 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 1 इंच की, तो यहाँ पे आप स्मॉल कार भी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है इधर से कार पार्किंग से ही अपने घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो है सीढ़ियाँ बाहर से दी गई हैं, सीढ़ियों की जो विड्थ है यहाँ पे 3 फीट है। यहाँ पे पहला जो स्टेप होगा, यहाँ पे पहला कदम होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कदम ऐसे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आके घूम के हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। इसी के नीचे यहाँ पे आपको एक टॉयलेट एंड बाथरूम का ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पे 3 फीट 6 इंच वाइड है, 6 फीट 9 इंच यहाँ पर लंबाई है, जो कि हमारी यहाँ पर जो सीढ़ियों की जो लैंडिंग की जो ऊँचाई होगी, हाफ लैंडिंग की ऊँचाई जो होगी वो यहाँ पर 6.5 फीट की ऊँचाई पर यहाँ पर होगी और इसी के नीचे हमारा ये टॉयलेट एंड बाथरूम आएगा। तो इधर से हम जाते हुए अपने सीढ़ियों अपने टॉयलेट एंड बाथरूम का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है आपको, एक्चुअली आप इसको बाहर वालों के लिए इस टॉयलेट एंड बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इधर से ही हम अपने गेस्ट रूम में जा सकते हैं कार पार्किंग से ही। यहाँ पे आपको दो इसमें गेस्ट रूम के लिए 2 डोर मिल जाते हैं, एक तो यहाँ पे बाहर से मिलता है और एक हमारे घर के अंदर से मिलता है। यहाँ पे 10 बाई 11 का आपको गेस्ट रूम मिल जाता है और यहाँ पे जो है आप विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे 3 फीट वाइड यहाँ पे विंडो आप लगा देंगे तो सीढ़ियों की तरफ से जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे गेस्ट रूम में जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोफे प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे 4 फीट चौड़ा आपको डोर मिल जाता है जो कि हमारा कोई भी बड़े से बड़ा सामान लेके हम अपने घर के अंदर इसके थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है। यहाँ पे 5 फीट 8 इंच लेंथ है, 4 फीट 9 इंच यहाँ पे विड्थ है और ये जो कि हमारे हॉल के अंदर से हमारे लिविंग एरिया के अंदर से हम इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे इस यहाँ पे अभी आते हैं तो यहाँ पे लिविंग एरिया की लेंथ की बात करते हैं तो 13 फीट 5 इंच लेंथ है, 12 फीट चौड़ाई है। तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के सीटिंग के लिए आप यहाँ पे काफ़ी आपका अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है, डाइनिंग टेबल पे आप यहाँ पे आराम से 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। किचन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 8 फीट 9 इंच लेंथ में है, 6 फीट 8 इंच इसका विड्थ है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे स्मॉल पूजा रूम मिल जाता है जो कि ओपन है, यहाँ पे कोई यहाँ पे ये वॉल्व नहीं आ रही है। यहाँ पे 4 फीट 2 इंच इसकी लेंथ है, 3 फीट इसकी विड्थ है, तो यहाँ पे आप पूजा रूम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे जो है एक साफ दिया गया है जो कि हमारा पूरा ये खुला रहेगा छत में और यहाँ पे दीवारें आ रही हैं और यहाँ पे एक विंडो भी आप इस दीवार में यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे जो छत में खुला रहेगा तो छत की तरफ से रोशनी आएगी और बाद में इसमें हम लोहे के जाल से इसको कवर कर देंगे। 2 फीट 6 इंच यहाँ पे इसका विड्थ है तो यहाँ पे 2.5 फीट बाई 4 फीट का विंडो इस दीवार में लगाएंगे तो इसके थ्रू जो रोशनी आएगी वो हमारे किचन के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन रखेगी, प्रॉपर उजाला रहेगा और जो स्मोक होगा वो सीधे इधर से होते हुए विंडो के थ्रू ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बेडरूम्स को। यहाँ पे हॉल से अपने लिविंग एरिया से अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 बेडरूम मिल जाते हैं। यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है इस बेडरूम के लिए जो कि हमारा लिविंग वाले पोर्शन में ओपन होता है। बेडरूम 1 की बात करते हैं तो 10 बाई 12 का ये बेडरूम है, ये वाला बेडरूम 1 है और यहाँ पे भी जो मास्टर बेडरूम है वो भी 10 बाई 12 का, 10 फीट 1 इंच बाई 12 का है, 12 फीट लेंथ है। तो यहाँ पे आपको बेड प्लेस करके दिखाया गया है और यहाँ पे अपने अपने अलमीरा वगैरह आप यहाँ पे अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाता है। तो अभी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आपको वीडियोस मिलते रहें। और चलिए अभी इसमें बात करते हैं वॉल साइजेस की। तो बाहर की जो दीवारें हैं इसमें 9 इंच की डिज़ाइन की गई हैं, घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच की डिज़ाइन की गई हैं। और इस प्लान से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
और अगर आपको कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।